जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगले 48 घंटे में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचने वाले हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाले हैं हम। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। एक बात अच्छे समझिए कि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, अगर उसे कुछ देर सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे मैच नहीं कर रहा, ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा, तो प्लीज़ एक बार दूसरा ज़रूर सुनकर देखें, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है। तो कुछ चीज़ें मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मैच नहीं भी हो सकती हैं, तो समझदारी ज़रूर दिखाएँ। ठीक है, चलिए आसपास जो भी नेगेटिविटी है आपके या फिर हमारे, उसे रिमूव करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। 2 मिनट का छोटा सा ध्यान करेंगे। ठीक है, आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तच्च वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तच्च वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का, दिव्य चेतनाओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से आज मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मैं बहुत स्वस्थ रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ और दिन प्रतिदिन मैं अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जो भी पाना चाहता हूँ वो सब कुछ मैं प्राप्त करता जा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा है। मैं बहुत सकारात्मक रहता हूँ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये सब कुछ आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, लव यू। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 48 घंटों में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए,
क्या सोच रहे हैं वो अभी आपको लेकर, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये सब कुछ इस रीडिंग में हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत डेट ऑफ बर्थ से करते हैं, इनके साइन से करते हैं। इधर देखिए जो बहुत स्ट्रांग साइन है वो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस कर्क वृश्चिक मीन राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीस लियो सैजिटेरियस भी है मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ कन्या मकर राशि। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 12 तारीख, 25 तारीख, 21 तारीख, 31 तारीख, 3 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ जून, मई, अप्रैल और जून बहुत स्ट्रांग है, जुलाई भी है, दिसंबर और नवंबर। इनका बर्थ मंथ इनके नेम का इनिशियल हो सकता है ई ए एल ओ एच जी एस टी आर एम के पी सी वी यू डी जे क्यू पी एम। ठीक है, ये है इनके नेम का इनिशियल। जिनके साथ आप रिश्ते में हैं ये जो भी हैं, इधर थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है, रिलीजन इशू भी बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं। एक बात सुनिए, इधर प्यार बहुत है, क्या दिखाया जा रहा है आपको, क्या शो ऑफ किया जा रहा है हमें नहीं पता, आपको क्या जताया जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इधर जितना प्यार है ना उतना कहा भी नहीं जा रहा है। ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इधर मजबूरी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हों, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हों, आप अनमैरिड हों, या फिर वो किसी और के साथ कमिटेड हों। जैसे कि एक मजबूरी है, एक ऐसी मजबूरी जिसकी वजह से चाह कर भी आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपके प्रति इस कदर अटैचमेंट है, आपके प्रति इस कदर आकर्षण है, इस कदर प्यार है, और इतना कुछ होने के बाद भी हो सकता है कि कमिटेड हों ये। जो भी रीज़न है बस ये खुश नहीं है आपके बिना। यहाँ पर कुछ लोगों की नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, या फिर ये आपसे बात कर ही नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि जैसे कि एक नई नई दोस्ती है, कुछ दिनों तक चली, अच्छी चली, और आपको भी पता है कि वो आपको प्यार करते हैं, आपको भी पता है कि वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन वो कह नहीं रहे हैं, वो चीज़ों को जाहिर कर नहीं रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है रिलीजन, रीज़न है एज डिफरेंस, रीज़न है इंटरकास्ट इशू, रीज़न है फैमिली इशू। पहले देखो, ये जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पहले बहुत अकेले हुआ करते थे, बहुत अकेलापन इनकी ज़िंदगी में था, बहुत सूनापन इनकी ज़िंदगी में था। पैसे ही होना सब कुछ नहीं होता, पैसे होना सब कुछ नहीं होता, तो इनके पास सब कुछ था, बस एक अच्छा इंसान इनकी ज़िंदगी में नहीं था। तो ये हमेशा ईश्वर से प्रे करते थे कि काश मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो जो मुझे समझने वाला हो, मुझे प्यार करने वाला हो, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है कोई पूछने वाला हो। पहले इनकी फैमिली भी इन्हें इतनी तवज्जो नहीं देती थी, अब ये मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर जिसके साथ कमिटेड हो, पहले कोई इन्हें इतनी अहमियत नहीं देता था। फिर जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए, जब से इनके अपनों को आपके बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा, तब से वो सब इनके बारे में ज़्यादा सोचने लगे, इनके पीछे पड़ने लगे, ठीक है। तो अभी एक मजबूरी की वजह से, इधर मजबूरी बहुत ज़्यादा है,
ये चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, ये चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी जीना, लेकिन इतने कन्फ्यूज्ड हैं कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, अभी अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं ये, अगले 48 घंटों में भी आपको बहुत मिस करने वाले हैं, और जहाँ पर ये कमिटेड हैं या फिर जो पहले इनका एक्स था उसे भूल कर, उसके साथ रिश्ते तोड़ कर, अभी कोई इनकी ज़िंदगी में पहले था, आपके पहले भी कोई था इनकी ज़िंदगी में जो उस वक्त इन्हें अहमियत नहीं दे रहा था, लेकिन आजकल वो ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहा है जब से उसे आपके बारे में पता चला है। पहले वो नहीं कर रहा था, पहले बहुत निश्चिंत था क्योंकि ये एक लॉयल व्यक्ति हैं, ये मतलब कि चाहे इनके रिश्ते में कितनी भी समस्याएं चल रही हों पर ये किसी और के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जब से आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना शुरू किया तब तक वो इन पर, तब से वो इन पर ज़्यादा ही नज़र रखने लगा है। इनका जो एक्स है, फिर इनकी जो एक्स है या फिर इनकी वाइफ, इनका हस्बैंड, पहले नहीं इतना कुछ था पर अब ज़्यादा हो रहा है, तो अब ये बहुत मजबूर है कि मैं कैसे निकलूं इस रिश्ते से, या फिर मैं उस इंसान के साथ बात आगे कैसे बढ़ाऊं, मेरी ज़िंदगी में तो ऑलरेडी इतनी समस्याएं हैं, मैं चीज़ों को कैसे सुलझाऊं। आप शायद सोच रहे होंगे, आप भी, हम देख रहे हैं कि आप भी एक अलग लेवल का कनेक्शन, एक अलग लेवल का अट्रैक्शन, एक अपनापन महसूस कर रहे हैं इनके लिए, आप भी कर रहे हैं, लेकिन आप बस एक इनके एक्शन के इंतज़ार में हैं कि बस आप जानना चाहते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, इनका अगला कदम क्या होगा। देखो, ये जो व्यक्ति है ना, बहुत समझदार व्यक्ति हैं ये, ठीक है, बहुत समझदार हैं, और ये जल्दबाजी में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेने वाले चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इधर फैमिली इशूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फैमिली को भी ठीक ठाक करने की कोशिश है इनकी। ये थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मारना पसंद करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं ले सकते ये। रही मिस करने की बात, तो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, कोई आपका जानने वाला है, कोई आपका दोस्त है, उससे आपके हाल चाल भी पूछ रहे हैं ये, ठीक है, कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या कर रहे हैं आप, अब आपका एक्शन क्या होगा, आप क्या करने वाले हो, ये सारी चीज़ें ये आपके बारे में सोच रहे हैं। पता है, मन ही मन में ये आपको पूरी तरह से आपके सामने खुद को समर्पित कर चुके हैं, मन ही मन में ये आपको अपना कई जन्मों का साथी मान चुके हैं, और आपके सपने इन्हें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आपको भी इनके सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये अपने परिवार में बगावत करने से डरते हैं, और इनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है, इतनी स्वतंत्रता नहीं है, इतनी स्वेच्छा नहीं है कि ये अपनी ज़िंदगी को हर किसी से बगावत करके अपने हिसाब से जी सकें। इनकी जो फैमिली वाले हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इन्हें पता है कि अगर ये सबके खिलाफ जाकर भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनकी फैमिली ना आपको छोड़ेगी ना इनको छोड़ेगी, इस वजह से ये मजबूरी के घूंट पी रहे हैं। एक होता है ना कि इंसान प्यार बहुत है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन न जता पा रहे हैं, न बता पा रहे हैं, ना आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं, बस दूर से आपको देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, घुट रहे हैं कि काश ये बंधन मेरे पास नहीं होते, ये मजबूरियां मेरे पास नहीं होती। ये सबके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन अगर चले गए तो उसके बाद चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, उसके बाद चीज़ें बहुत बुरी हो जाएंगी, इसी वजह से अभी ये मतलब एक होता है ना हैंगमैन की स्थिति में है कि न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं, न जी पा रहे हैं न मर पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन की भी स्थिति है। कभी कभी लोग जो इनके बहुत करीबी दोस्त हैं, जब ये आपकी बात करते हैं उनसे तो ये कहते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तो कभी कभी वो कहते भी हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर शादी कर लो, फिर छोड़ो छाड़ो सबको, लेकिन ये उनको भी नहीं छोड़ सकते जिनके साथ ये रिश्ते में हैं या फिर जिनके साथ कमिटेड थे ये, या फिर अपनी फैमिली को अगर ये मैरिड हैं तो, क्योंकि इन्हें पता है कि उनको छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, वो आपके साथ साथ आपके परिवार को भी तबाह कर देंगे इनकी फैमिली वाले। इस वजह से ये व्यक्ति इतना मजबूर है, इतना मजबूर है कि हमें यहाँ पर सिर्फ मजबूरी ही नज़र आ रही है। वो गज़ल सुनी आप लोगों ने, बहुत अच्छी है, हम आपको सुनाते हैं, ये इनकी एनर्जी है, आंखें बंद करके सुनिए, आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी।
ऐसे तेरे बगैर, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। तू जिंदगी है तुझसे रहे दूर किस तरह, तू जिंदगी है तुझसे रहे दूर किस तरह, मर मर के जी रहे हैं तेरे गम में इस तरह, तेरे गम में इस तरह, इल्जाम जैसे कोई, इल्जाम जैसे कोई लिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। अगले 48 घंटों में ये यही सब कुछ सोच सोच कर बहुत रोने वाले हैं। इनकी स्लीपलेस नाइट्स होने वाली हैं, बहुत जैसे कि बेचैनी भरी रातें होंगी इनकी। किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे, किसी से कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई समझने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। हर एक इंसान सिर्फ बुरा बोलता है इन्हें, सिर्फ बुरा बोलता है, हर चीज़ के लिए इन्हें ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से वैसा हो गया। कोई ना इन्हें अप्रिशिएट करने वाला है, ना कोई इन्हें समझने वाला है। एक आप ही हैं या फिर एक आप ही थे इन्हें समझने वाले, प्यार देने वाले, इनकी रेस्पेक्ट करने वाले, इनके लिए बहुत कुछ, इनकी खुशियों का ख्याल रखने वाले, ऐसा कोई नहीं है। तो इन्हें हर पल आपको खोने का भी डर रहेगा। इन 48 घंटों में आपको खोने का डर रहेगा बहुत ज़्यादा। इन्हें ये भी लगता है, इन्हें ये भी लगता है कि आप तो बहुत प्यार डिज़र्व करते हैं, ठीक है, आप तो बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करते हैं, आप जितने अच्छे हैं, आप जितने सुंदर हैं, जितने केयरिंग हैं, जितने मदरली हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। और जिस तरह ये अभी कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, और अगर बातचीत करते भी हैं तो उसमें जो इनके दिल में वो दिखा नहीं पा रहे, तो इनको ये लग रहा कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें अगर लंबी चली, अगर ये समय रहते आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए, अगर ये समय रहते आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो कहीं आप किसी और का साथ ना पकड़ लो, आप इन्हें छोड़कर किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे ना बढ़ जाओ। अगर आपने ऐसा किया तो ये जी नहीं पाएंगे, हाँ हाँ ये जी नहीं पाएंगे। इस बात को सोच सोच कर ये बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी काम में इनका मन नहीं लग रहा है, सिर्फ इनको रोना आ रहा है, किसी काम में इनका मन नहीं लग रहा है। और इनको ये भी लगता है कि अगर आप इनसे दूर चले गए, अगर आप इनसे दूर चले गए तो रहेंगे किसी के भी नहीं, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, कि अब ना किसी और से लागे जिया, भुला ना सकेंगे, छुपा भी ना सकेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। मतलब कि ना ये आपको भुला सकते हैं, ना आपका सच लोगों से छुपा सकते हैं, इनकी आँखों में दिख जाता है आपके लिए प्यार,
इनकी आंखों में, ये पता है ये थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हैं अपने मन को शांत रखने के लिए। इनका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है उससे आपकी बातें शेयर कर रहे हैं कि भाई या फिर मैं कैसे रहूँ उसके बिना, मैं रह नहीं पा रही हूँ, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे चीज़ों को मैं सही करूँ, ठीक है। और अगर बहुत समय तक मैंने यही रवैया रखा तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे छोड़ देगा। वो क्यों रहेगा मेरे साथ? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे लोगों के ऑफ़र्स आते हैं, और अभी हाल फिलहाल आपके पास किसी का ऑफ़र आया भी है। इन्हें पता है, शायद इन्हें पता है, और शायद इन्हें थोड़ा बहुत डाउट भी है, इन्हें बहुत थोड़ा बहुत डाउट भी है कि आप इनके पीठ पीछे किसी से बात भी कर रहे हैं। ये खुलकर आपसे उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद थोड़ा बहुत किसी और से बातचीत करने लगे हैं। वो हो सकता है कि सिर्फ आपकी दोस्ती हो, लेकिन इन्हें हर चीज़ से, हर व्यक्ति से डर लग रहा है कि पता नहीं कौन इन्हें आपसे चुरा ले जाएगा, कौन इन्हें आपकी ज़िंदगी से दूर कर देगा। समझ रहे हैं? बस ये जो मजबूरी वाली जो घुटन है ना, ये असहनीय है इनके लिए, ये समझ लीजिए। होपलेस है चारों तरफ से, दूर दूर तक कोई होप नज़र नहीं आ रही है, और सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इंतज़ार करो, सब्र रखो, सब होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बस इनको ये लग रहा है कि कहीं ये सब्र रखते रखते, सब्र करते करते, कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी में सिर्फ सब्र ही बचे और कुछ बचे ही ना। सोलमेट कनेक्शन इधर बहुत ज़्यादा, एक आप ऐसे व्यक्ति थे जिसको पाकर ये खुद को कंप्लीट महसूस करते थे, जैसे कि अब आप मिल गए, कुछ और पाने की चाह नहीं थी, आपके साथ एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे ये, क्योंकि आप इन्हें समझते थे, आपको समझते थे, ठीक है। लेकिन इनके अपने कर्मा, इनका अपना बर्डन, इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी अपनी फैमिली, इन सब चीज़ों की वजह से ये आपके साथ वो ज़िंदगी नहीं जी पा रहे जो जीना चाहते थे। अच्छा देखिए कितने कमाल की बात होती है ना कि अब तक इनकी ज़िंदगी में ये क्या कर रहे हैं, ये जी रहे हैं, मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं था, ठीक है। कोई इन्हें इतनी तवज्जो नहीं दे रहा था, कोई इन्हें इतनी अहमियत नहीं दे रहा था, लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, तब से जब से लाइक थोड़ा बहुत इनकी फैमिली वालों को या फिर उस इनकी एक्स को, इनके एक्स पार्टनर को जैसे थोड़ा बहुत महसूस हुआ कि शायद इसकी लाइफ में कोई बेटर व्यक्ति आ गया, कोई अच्छा इंसान आ गया, तब से वो इनकी ज़िंदगी में उछल कूद मचा रही है। वो जो भी थर्ड पार्टी है कि क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, अगर ये किया तो ये हो जाएगा, वो किया तो वो हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो अब ये ना द्वंद की स्थिति में फंस गए हैं, और ये एक साथ दो दो रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे, आपको अपनी फैमिली को, आपको उस थर्ड पार्टी को। पहले इन्होंने सोचा था कि मुझे भी ज़िंदगी जीनी चाहिए, मुझे भी ज़िंदगी जीने का हक है, और मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा इंसान ईश्वर ने मुझे दिया है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी में जीऊँ, और किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही होता है ना कि तुम्हें प्यार भी नहीं देंगे और तुम्हें प्यार से किसी और के साथ जीने भी नहीं देंगे, तो ये सब हो रहा है इनके साथ। ये पता है ये आपसे एक लंबा टाइम चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा समय दो चीज़ों को ठीक करने के लिए, और हमें नहीं लगता, हमें आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है आप इनके लिए जो फील करते हैं, या फिर जितना अटैचमेंट, जितना अपनापन, जितना सुकून आप इनके लिए महसूस करते हैं, आपने भी कभी किसी के लिए नहीं किया है। आप भी किसी और के साथ इस तरह से एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकते। आप भी इनसे हर कुछ बोल देते हैं, सब कुछ कहने में आप इनके सामने बहुत कंफर्टेबल होते हैं। बहुत होता है ना कि इंसान हर किसी के सामने हर तरह की बात नहीं कर सकता, पर आप इनके साथ बहुत कंफर्टेबल थे। लेकिन अब वही बात हो रही है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आपको भी ये लगता है कि जब अगर वो अपनी लाइफ में खुश है, अगर जैसे बात नहीं कर रहे, आपको लगता है कि अगर वो भी मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, वो भी मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं कब तक इंतज़ार करूँगी, मैं कब तक उसका इंतज़ार करूँगा, या फिर चीज़ें ठीक होने का मैं कब तक इंतज़ार करूँगा, कब तक। तो आपको कभी कभी बेचैनी होती है कि मैं मूव ऑन करूँ या फिर इंतज़ार करूँ, क्योंकि आप ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जो हो रही हैं, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं मजबूरी है, लेकिन अब आपकी क्या गलती है इसमें, आप क्यों इतना दर्द सह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी हमें दिख रही है, तो अगले 48 घंटे इनकी यही एनर्जी है, रोने वाले हैं। एक्शन तो ये एक दिन आपके लिए ज़रूर लेंगे, पर वो एक दिन कब आएगा अभी इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जितना बवाल छिड़ा हुआ है उसको देखते हुए इन्हें समय लगेगा, हमें ऐसा लगता है।
ठीक है, हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहने होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगले 48 घंटों में उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए, वो आपके लिए क्या फील करेंगे, वो आपको लेकर क्या महसूस करेंगे अगले 48 घंटों में, बल्कि हम ये बताने वाले कि आप दोनों ही क्या महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं साइन और एलिमेंट से। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, और है इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 6 तारीख, 1 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 15 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 21 तारीख, 13 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख। इनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर, जुलाई, अक्टूबर, बस। इनके नेम का इनिशियल THBUDAPRSVIQKGMWVYCNG। ठीक है, यह इनिशियल। जब जिंदगी में बार 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 इंसान एक ही चीज़ का सबक ले, एक ही चीज़ उसकी ज़िंदगी में बार बार घटे, तो फिर लोग बहुत सतर्क हो जाते हैं, लोग बहुत सतर्क हो जाते हैं। फिर वो अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ होता भी है, कुछ सच्चा इंसान भी आता है ना, तो वो उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। अगर किसी को ज़िंदगी में बार बार धोखे मिले हों, झूठे फरेबी लोगों से किसी का बार बार सामना हुआ हो, तो वो अच्छे और सच्चे इंसानों पर भी यकीन नहीं कर पाते, और वो बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि उनके अंदर दिल नहीं होता, है ना, ऐसा नहीं कि उनके अंदर दिल नहीं होता, दिल होता है, प्यार होता है, बहुत प्यार होता है, बस वो उसे छुपाया करते हैं, उसे बताना नहीं चाहते, उसे जताना नहीं चाहते। सबसे पहले इस रिश्ते के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू कुछ लोगों का है, सबका नहीं। आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, मतलब कि जान पहचान है, पर पहले कभी ऐसा सोचा नहीं, चीज़ें सडनली अभी हुई हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं कहीं पर। ज़्यादातर करके हमें ऐसा लगता है कि आपके टीचर, आपके बॉस, आपके असिस्टेंट, आपके स्टूडेंट और कोई बहुत अच्छे फ्रेंड, लाइक आपके सीनियर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कनेक्शन है। अच्छा, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को संघर्ष से जिया है और बहुत तजुर्बे हासिल किए हैं। हर एक चीज़ को गहराई से और बारीकी से देखना पसंद करते हैं ये। हर किसी की बातों का मतलब उसके पीछे के इंट्यूशन को समझ लेते हैं, उसके पीछे के इंटेंशन को समझ लेते हैं।
इन्होंने जिंदगी में कभी मात नहीं खाई है। मात दिल के रिश्तों में हर इंसान खाता है। रिश्तों में क्यों? क्योंकि जहां पर हम एक बार दिल लगा लेते हैं वहां पर हम दिमाग नहीं लगाते हैं, वहां पर हम दिमाग नहीं लगाते हैं। और जो लोग हमसे दिमाग से जुड़ते हैं फिर वो खेल कर चले जाते हैं, वरना बेवकूफ़ कोई नहीं होता है। और प्यार दिल से ही होता है ना, दिमाग से तो नहीं होता है। ये अपनी ज़िंदगी में जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और हर तरीके के एक्सपीरियंस हैं इनके पास, लव लाइफ के, मैरिड लाइफ के, फैमिली के, जर्नी के, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत नॉलेजेबल पर्सन है ये। इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रांग है, आपके प्रति शुरू से ही एक अट्रैक्शन फील करते थे ये। आप इनकी हर कसौटी पे खरे उतरे हैं, जैसा कि इन्हें ज़िंदगी में एक इंसान चाहिए था, आप हूबहू ऐसे ही हैं। इनको ज़िंदगी में ऐसा नहीं, इनके बहुत सारे लोगों के साथ पहले रिश्ते रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन रिश्तों में इन्हें कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो कुछ सालों से आप मान लीजिए कि इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, और बस इनका फोकस करियर की तरफ होता है, फैमिली की तरफ होता है, समाज की तरफ होता है, कुछ अच्छे कार्यों की तरफ होता है। अब प्यार व्यार का मैटर इनकी ज़िंदगी में नहीं है। बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, ठीक ठाक था सब कुछ, अचानक ही आप इनकी ज़िंदगी में आए। कैसे आए? ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल भी है ये, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, हो सकता है भगवान बुद्ध को बहुत फॉलो करते हो ये। भगवान बुद्ध को मतलब कि थोड़ा सा तर्कवादी व्यक्ति हैं, बहुत तार्किक व्यक्ति हैं ये, अंधविश्वास नहीं करते हैं, अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन नहीं करते हैं। अगर आपके बारे में बहुत सारे लोग कुछ अलग 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 बोलते हैं, तारीफ करते, ये यकीन नहीं करते। ये इतनी आसानी से कभी किसी की बातों में आने वाले व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है। ये बहुत सोच समझ कर ज़िंदगी में एक एक कदम उठाते हैं, बहुत सोच समझ कर एक एक कदम ज़िंदगी में रखते हैं। किसी भी इंसान से यूं ही बात नहीं करते हैं ये। अगर कोई मतलब होगा, कोई काम होगा तो ही बात करेंगे। इन्हें टाइम पास करना, फिजूल की बातों में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट है कुछ चीज़ों को लेकर ये। शुरू से ही जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए, ये आपके प्रति अट्रैक्ट हैं, एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं, लेकिन उस अट्रैक्शन को इन्होंने हमेशा छुपाया है। उस अट्रैक्शन को इन्होंने खुद के ऊपर हावी कभी भी नहीं होने दिया। एक लेवल तक जब ये आपसे परेशान हो गए, आपकी यादों से, आपके सपने बार बार इन्हें आ रहे हैं, आपका ख्याल बार बार इन्हें आ रहा है, इनके जहन में आ रहा है, तो फिर इन्होंने छानबीन करनी शुरू कर दी आपके बारे में। इंटरेस्टेड नहीं थे आपको लेकर, पहले नहीं थे, लेकिन एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा सुकून आपकी बातों में, आपके चेहरे में ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, तो फिर इन्होंने छानबीन करनी शुरू कर दी कि आप कहाँ से हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपकी क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें इन्होंने देखना शुरू कर दी कि आपकी लाइफ पहले कैसी थी, आजकल क्या चल रहा है, और कैसे कैसे आप रहते हो, किन किन से मिलते हो, मतलब कि कुल मिलाकर स्टॉक करना पूरी तरीके से इन्होंने शुरू कर दिया आपको। तो पहले ही आपको लेकर बहुत कन्फ्यूज थे, बहुत ज़्यादा, और आपसे भाग रहे थे दिल टूटने के डर से कि कहीं फिर से दिल ना टूट जाए, कहीं फिर से दिल ना टूट जाए, कहीं फिर से कोई खेल के ना चला जाए। अभी पहले इन्होंने बहुत भागने की कोशिश की, बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन अब फिलहाल इन्होंने सरेंडर कर दिया है। हटाओ छोड़ो यार, अब कब तक भागेंगे? अगर कोई इंसान इस कदर पीछे पड़ ही गया है, कोई इंसान इस कदर दिल दिमाग में बस ही गया है, तो फिर क्या भागना मुझसे? अभी आपसे भाग भी नहीं पा रहे हैं, और इस कदर आपके सपने आ रहे हैं इन्हें, इस कदर इनकी आत्मा आपकी तरफ खींच रही है कि ये किसी से बता नहीं पा रहे, और वो चीज़ें इनके चेहरे से साफ झलक रही हैं कि ये अब अंतर आत्मा से आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए हैं। समझ रहे हैं? आपकी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली देखते हैं ये, और हर वक्त आपका ही ख्याल इनके दिल दिमाग में रहता है, हर वक्त।
इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी इनके जैसा इंसान, इतना प्रैक्टिकल, इतना लॉजिकल इंसान कभी किसी के लिए पागल हो सकता है। नहीं, लेकिन अब ये मान चुके हैं कि भाई इसमें कुछ तो बात है, कुछ तो स्पेशल है जो किसी और में नहीं है। अगले 48 घंटों में क्या होने वाला है? अगले 48 घंटों में इनके अंदर आपको काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी चेंजेस। छुप छुप कर आपको देखेंगे, आपको थोड़ा बहुत फील भी होगा। जैसे अभी तक भाग रहे थे ना, अब इन्होंने तय कर लिया कि भागना नहीं है, ये भाग नहीं सकते आपसे। तो अब ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहते, इनको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ठीक है आप धोखा दोगे, तकलीफ़ दोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल की जो इनकी रातें हराम हैं, इनकी नींदें हराम हैं, उससे तो अच्छा ही होगा ना, उससे तो अच्छा ही होगा कि आपसे ना भागें। ये जो चल रहा, जो जैसे हो रहा, उसे एक्सेप्ट करें। तो ये उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं, अभी आपसे भागेंगे नहीं, अभी अपनी आँखों से पट्टी उतार के आपकी अच्छाई को देखेंगे। अभी सिर्फ आपकी बुराई देख रहे थे कि कुछ बुराई मिले जिससे ये अपने मन से कह सके देखो देखो इसमें ये बुराई है, देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है। इन्होंने बहुत बहुत कमियां ढूंढी आप में, लेकिन दिखी नहीं कोई कमी। तो अब ये आपके सामने खुद को समर्पित करने वाले हैं। शायद अभी आपसे कहेंगे नहीं, लेकिन जैसे कि एक झरना था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन किसी ने उसे बंद करके रखा हुआ था, उस झरने को, ठीक है, वो प्यार का झरना। अब उसे एक रास्ता मिलने वाला है। अब ये प्रेम की यात्रा शुरू होने वाली है। अब ये समझ गए हैं, ये देखो बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत सोल लेवल का कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है ये, ठीक है। तो अब ये समझ चुके हैं और काफ़ी मेडिटेशन वगैरह करते हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पाकर इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये व्यक्ति एक्चुअल में ऐसा ही है जैसा अब तक मैंने इसे पाया है, तो शायद मुझे ऐसा ही चाहिए था, शायद मेरी ही विश फुलफिलमेंट हुई है, शायद मेरी ही इच्छा पूरी की है ईश्वर ने। और अब जब अब तक ये अपने मन को दबा रहे थे ना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे ना, अब नहीं, अपने मन को एक आज़ाद परिंदे की तरह छोड़ देंगे, अपने दिल को कहेंगे जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, अब नहीं मैं तुझे दबाऊंगा, अब नहीं मैं तुझ पे अपनी मन मर्जी थोपूंगा। तो अगले 48 घंटे में कुछ लोगों को उनकी तरफ से, या आपके क्रश हो सकते हैं, आपको प्रपोजल मिल सकता है, या फिर प्रपोजल तो कम लोगों को मिलेगा, सोच रहे हैं प्रपोज करने के बारे में, सोच रहे हैं, इसी वीक आपको प्रपोज कर भी सकते हैं ये, ठीक है, इसी वीक। लेकिन अब वो जैसे कि रूडनेस दिखा रहे थे, बुरी तरह से बात कर रहे थे, क्योंकि आपसे भाग रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन अब इन्होंने सोच लिया भागने वागने कोई फ़ायदा नहीं है, जो जैसा है उसे चलने देते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के प्रेजेंट को ख़राब करना नहीं है, ठीक है। अब हाँ, जैसे कि जैसे ही इन्हें व्यक्ति चाहिए था, आप बिल्कुल वैसे ही है, तो बहुत सारे चीज़ों में इन्होंने आपको वैसा ही पाया है, तो इस वजह से अब ये स्वीकार कर चुके हैं आपको, और ये कनेक्शन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं अगले 48 घंटों में। आप में से कुछ लोग थोड़ा सा लो फील करेंगे, प्लीज़ किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी वाद विवाद से बच के रहना, ठीक है, और थोड़ी सी एनर्जी हैवी हैवी होगी, तो प्लीज़ जैसे कि अगर आपको लो फील होने लगे, क्योंकि कोई डेविल एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव पर्सन शायद आपके पीछे पड़ा है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आपको परेशान कर रही है। आप आजकल थोड़ा थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, और इसी वजह से आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे। अच्छा, ये एनर्जी कुछ लोगों की है, सबकी नहीं है, ठीक है, सबकी नहीं है। तो उनको हम यही समझाएंगे कि प्लीज़ जब ऐसा महसूस हो तो आप योग निद्रा करना, मेडिटेशन करना, ठीक है। और जैसे हम लोग नज़र उतारते हैं ना अपनी, ऐसे आप अपनी नज़र उतरवा लेना। नज़र उतारने को अग्नि स्नान कहते हैं, ठीक है, जैसे कि एक कपूर जलाकर और 7 बार
गायत्री मंत्र बोल के उसे उतरवा लेना, तो आप अच्छा फील करेंगे और बहुत फ्रेश फील करेंगे, बहुत लाइट फील करेंगे अगर आप ऐसा करवा लेते हैं तो। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोगों के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी काफ़ी समय से उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, लेकिन कुछ लोग तो बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि आपको इतने समय से जिस दिन का इंतज़ार था कि काश यार ये अपने दिल की बात कहे, बहुत खड़ूस है, बहुत अकड़ू है और बहुत एटीट्यूड वाली है, बहुत एटीट्यूड वाला है, तो आप चाहते थे ना कि कभी तो ये कभी तो फेस टू फेस कहे कि हाँ मुझे भी तुमसे प्यार है, कभी तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, कभी तो बयां करे। क्यों भागती है, क्यों भागता है, तो वो चीज़ें आने वाली हैं। और पता है आपको अगले 48 घंटों में बार 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 कहीं ना कहीं से इनका नाम सुनाई देगा, बार बार इनका ख्याल आएगा। क्यों ख्याल आएगा? क्योंकि वो उनकी ही एनर्जी होगी। आप पढ़ रहे होंगे, आप खा रहे होंगे, किसी से बात कर रहे होंगे, अचानक ही उनका ख्याल आ जाएगा, अचानक किसी से आपके कानों में बार बार उनका नाम सुनाई पड़ेगा अगले 48 घंटों में। तो आप सोचेंगे क्या हो रहा है, ये अब तक तो नहीं होता था। कुछ एक अजीब सी फीलिंग होगी, एक अजीब सी खुशी होगी, वो डियर इनकी ही एनर्जी होगी, ठीक है, वो इनकी ही एनर्जी होगी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। तो आप काफ़ी खुश महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, आप जैसा चाहते थे वैसा होता हुआ महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि बस अब यही चाहिए था और यही मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग हो रही है। इन फ्यूचर हम आपको बताएं, ये इन्हीं अगले 48 घंटों में और आगे भी, ये बहुत, पता है, बहुत ये मैजिशियन टाइप के व्यक्ति हैं, लाइक इनके अंदर बहुत मैग्नेटिक पावर है अट्रैक्ट करने की किसी को। तो हमेशा से ये हुआ है कि ये लोगों को अट्रैक्ट करते थे, हमेशा से ये हुआ है, लेकिन पहली बार कोई इन पर भारी पड़ा है और वो आप हैं। अब तक ये लोगों पर भारी पड़ते थे, इनको अच्छे से पता होता था कि लोग इन पर मरते हैं, मिटते हैं, ये है वो ऐसा वैसा, लेकिन कोई इन पर भारी पड़ा है वो चीज़ ये महसूस करने वाले हैं। तो अगले 48 घंटों में एक तो ये बहुत खुश रहेंगे, बहुत मस्त रहेंगे, और अभी बहुत खुश हैं, एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने आपको, और बस डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि जो भी होगा आप देखना, और कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपको मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे, वैसे ही चीज़ें बार 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 इनसे रिलेटेड आपको दिखने लग जाएंगी, महसूस होने लगेंगी, इनकी ड्रीम्स भी आपको आने लगेंगे, ठीक है। तो ये अपने पुराने पास्ट के बैड एक्सपीरियंस को छोड़ेंगे और ज़िंदगी की अब एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। कुछ लोग तो मिल भी सकते हैं, मैसेज के थ्रू आपको प्रपोज कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू आपसे अपने दिल की बात कह सकते हैं अगर ये आपसे दूर रहते हैं, और अगर ये आपके पास रहते हैं, आपके आस पास रहते हैं, तो आपसे मिलने की प्लानिंग करेंगे। हो सकता है कि मिलने की बात करेंगे कि कहाँ मिल सकते हो, कैसे मिल सकते हो, ऐसे करके कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करने की प्लानिंग करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाए, ठीक है। तो ये होगा अगले 48 घंटों में इनकी फीलिंग्स होंगी। अगले 48 घंटों में ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करने वाले हैं अपने आप में ही, जैसे कि होता है ना कि अकेले अकेले आपकी पिक्चर से बातें करना, और आपके आने से जो सुकून मिला है इन्हें, जो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बदली हैं, जैसे एक होता है ना कि इंसान खुद को पत्थर बना लेता है, ठीक है, वो दिल तो होता है उसके अंदर लेकिन वो धड़कना बंद कर देता है, जैसे कि फिर वो पहले की तरह रह नहीं जाता। जैसे कि एक सूखी बंजर ज़मीन में किसी ने फूल खिला दिए हों, तो आपने कहीं ना कहीं इनके जो दिल की ज़मीन थी जो बंजर हो गई थी, आपने उसमें फूल खिला दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके आने के बाद बदली हैं इनकी ज़िंदगी में, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है इनके मन में, बहुत ज़्यादा खुशी है। पहले ये भाग रहे थे, पहले सोच रहे थे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, पर अब एक्सेप्ट कर ही लिया है। इनकी तरफ से एक मैसेज है कि प्यार कितना है तुमसे, मतलब प्यार कितना है इस दिल में हम कह नहीं पाते, प्यार कितना है तुम्हारे लिए इस दिल में कह नहीं पाते, लेकिन ये भी सच है कि अब तेरे बिना हम कहीं रह ही नहीं पाते। इन्हें इंतज़ार रहता है, जैसे कि अगर ये आपसे सोशल मीडिया पर बात कर रहे हों, सोशल मीडिया पर मिले हों, या फिर
कहीं पर भी ऑफलाइन मिले हों तो इन्हें इंतज़ार रहता है आपकी एक झलक देखने का, पर चुपचाप। इन्हें इंतज़ार होता है आपके मैसेज का, इन्हें इंतज़ार होता है आपके कॉल का, इन्हें इंतज़ार होता है आपके स्टेटस का, हर चीज़ का इन्हें इंतज़ार होता है। ये कहते नहीं हैं पर ये चुपचाप आपको स्टॉक करते, आपकी हर चीज़ पर इनकी नज़र होती है, ये समझ लीजिए। अभी आपके बिना रह नहीं सकते, कुल मिलाकर कि इन्हें इतना प्यार हो गया आपसे। ठीक है, तो डियर आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका क्रश बहुत जल्दी आपके सामने अपने दिल की बात कहने वाला है, आपका क्रश आपके सामने अपने जज्बात अपने एहसास प्रकट करने वाला है। ठीक है, एक प्यारा सा सॉन्ग है इनकी तरफ से, इनकी जो एनर्जी है वो हम आपको सुनाते हैं, आँखें बंद करिए। सोचिया भी नहीं मैं कदी तेरे बिन जीउंदा, सोचिया भी नहीं मैं कदे तेरे बिन जीउंदा, धन्यवाद तेरा मेरी जिंदगी च आंदा, धन्यवाद तेरा मेरी जिंदगी च आंदा। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी सूखी दिल की बंजर ज़मीन में फूल खिलाने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। मैं मानता हूँ कि मैं कभी कभी रूड हो जाती हूँ, हो जाता हूँ, लेकिन एक स्पेशल सा एहसास है तुम्हारे लिए। मैं कहूँ ना कहूँ, मैं बोलूँ ना बोलूँ, मैं जताऊँ ना जताऊँ, पर जो तुमने फील कराया है समय आने पर, वही स्पेशल फीलिंग मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तो डियर अगले 48 घंटे में इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर की होने वाली हैं। हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे कि आपके क्रश आपके लिए अगले 48 घंटों में क्या महसूस करने वाले हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।